सो हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट. माय सेल्फ अभिषेक सानू एंड वेलकम टू माय चैनल. सो गाइज, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 3 डेज, लाइक संडे को मैंने टेस्ट दिया था. उसके बाद मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि क्या ही बताऊँ. मैं तो मतलब ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया था. फीवर सा हो रहा था, वीकनेस ही लग रही थी. सो मैंने संडे को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा और मैं रात में जल्दी सो भी गया था. सुबह जल्दी मेरे से मंडे को उठा भी नहीं गया क्योंकि ठंड भी पड़ रही थी और थोड़ी तबीयत भी ख़राब हुई थी. तो मंडे भी ऐसे ही चला गया. फिर कल प्राण प्रतिष्ठा, राम जन्म, ये सब हो रहा था सब कुछ. तो हम उसमें ही इंगेज हो गए थे और उसी में लंगर पार्टी, यहाँ पे घूमना फिरना, उसी सब में रह गए हम. तो उस दिन भी पढ़ाई नहीं हो पाई थी. और आज है 3rd डे और अभी बज रहे हैं 2:00 PM और अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही. मैंने बस खाना खाया है सुबह से और अभी यहाँ पे देखो मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ. अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, मुझे वीकनेस लग रही है. सो पढ़ाई भी मेरी हो नहीं पा रही है 2-3 दिनों से. तो मतलब संडे को बिल्कुल नहीं पढ़ा, मंडे को बिल्कुल नहीं पढ़ा, आज है ट्यूसडे और आज भी मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा अभी सुबह से अभी तक में. तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं. और पढ़ने का भी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, मतलब बुक की तरफ देखने का भी मन नहीं कर रहा. और जो संडे को टेस्ट दिया था उसमें कुछ स्कोर भी अच्छे नहीं आए हैं, तो उसकी वजह से तो काफ़ी मतलब पढ़ने का डिमोटिवेट हो गया हूँ. पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बट पढ़ना तो हमें पड़ेगा ही. सो मैंने डिसाइड किया कि अभी 3 बजे से स्टार्ट करते हैं पढ़ना. शाम 5-6 बजे तक पढ़ेंगे, फिर एक ब्रेक लेके फिर रात में पढ़ेंगे. सो इस टाइप से थोड़ा सा कर सकते हैं, बाकी तो हम क्या ही कर सकते हैं. अगर बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ दे फिर तो हमसे पढ़ाई तो ऐसे भी नहीं हो पाएगी और हम बहुत पीछे भी चले जाएगा, हमारा बैकलॉग भी हो जाएगा. बाकी पहले से इतना सारा टारगेट सेट कर रखा हमने कि जनवरी में ये करना है, फरवरी में ये करना है, मार्च में ये करना है और फिर मार्च तक सिलेबस भी कंप्लीट करनी है मुझे. जो ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 2 महीने के अराउंड टाइम है, उसमें मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करना है. और आपको भी पता है मैंने बिल्कुल ही लास्ट टाइम में पिछले मंथ से ही स्टार्ट किया, January 1st से स्टार्ट किया पढ़ना. और अभी 10-20 दिन हुए हैं पढ़े हुए, पता नहीं नीट का क्या ही होगा. बट मैंने टारगेट लिया है कि मार्च तक मैं अपना सिलेबस किसी तरह से कंप्लीट करूँ और उसमें ही अच्छे से नीट को क्रैक करूँ. आई डोंट नो क्या होगा, बट अपना बेस्ट दे सकते हैं. और यार ऐसे कैसे हो सका कि नहीं होगा, हो जाएगा यार, मुझे तो लगता है कि हो जाएगा. इसलिए मैं अदर कोर्स भी परस्यू नहीं कर रहा हूँ. मेरा मेन रीज़न ये है कि मुझे नहीं MBBS ही करनी है और मुझे कुछ नहीं करना, इसलिए मैं गिव अप भी नहीं कर सकता और नहीं करूँगा. मैं क्यों गिव अप करूँ, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, क्यों ही गिव अप करना. अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा ही अच्छे से. सो अब भी चलते हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ऐसे बैठे बैठे तो काम नहीं चलेगा. सो बेस्ट वे है कि अभी थोड़ा सा गर्म पानी पीते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं और आराम से बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए. जितना हो रहा उतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा खुद को प्रेशराइज भी नहीं करेंगे और फ़ोन वोन से बिल्कुल दूर रखेंगे इस बीच में, क्योंकि फ़ोन ही हमारा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है. कई बार पढ़ाई का मन करता भी है तो फ़ोन बीच में आ जाए तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता. तो ऐसा तो मेरे साथ बहुत बार होता है, इसलिए मैंने अभी इंस्टाग्राम, यूट्यूब और सबको अनइंस्टॉल कर दिया. सो जब भी मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है ना, जैसे लगता है मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब चलाने लग गया हूँ, बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम चलाने लग गया हूँ, सो सबसे पहले मैंने इन दोनों को इंस्टॉल करता हूँ. और फिर जब फ़ोन में रहता ही नहीं तो मैं चलाऊँगा क्या, और फिर से डाउनलोड करना है ऐसे ही बहुत मुश्किल है. डाउनलोड नहीं करता मैं जल्दी आईफोन में. और इसीलिए जो है अभी सब कुछ अनइंस्टॉल कर दिया, अभी चलते हैं पढ़ाई करने के लिए. मैं सही से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरी सांसें फूल जाती है, अभी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है मेरी अचानक से ही. देख सकते हो मैं ये दवाई भी ले ही रहा हूँ, ऑक्सीमीटर, कभी कभी ऑक्सीजन परसेंटेज चेक करने के लिए. बाकी सब कुछ ठीक है, उतना भी कोई इशू नहीं है मुझे. सो कभी कभी ये यूज़ कर लेता हूँ मैं, इतना प्रॉब्लम है. सो उसकी वजह से ये मैं ड्रॉप ले रहा हूँ जो मॉक्सीफ्लॉक्सिन 0.5% WHO है. सो 2 घंटे पढ़ने के बाद अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मेरा सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गई है अभी से ही. अब मैं नहीं चाहता कि अभी खुद को और प्रेशर देना और मैं इसलिए थोड़ा सा एक ब्रेक ले रहा हूँ 10-15 मिनट का. उसके 10-15 मिनट नहीं, आधे घंटे का बाहर घूम के आते हैं थोड़ा सा गार्डन से. उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, यहाँ पर अभी धूप भी है, थोड़ा धूप भी सेक लेंगे सो डैट हम थोड़ा सा एनर्जाइज रहे और थोड़ा सा कुछ खा भी लेंगे सो डैट थोड़ी एनर्जी भी मिल जाए हमें. सो अभी यही सब करते हैं तो हमेशा रखता हूँ सो डैट कि हमारी नाक वाक बंद ना हो, जैसे ठंड में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी. बालकनी यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर धूप सेक लेते हैं. तो देखो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, मतलब 5:15 हो गए. और यहाँ मैंने अभी दिया था एक क्वेश्चंस, अभी देखो इसमें PYQ किया था बट मैंने बहुत सारे PYQ गलती किए हैं, लाइक देख सकते हो. अब ये फिजिक्स का एक टफेस्ट चैप्टर था, वेव ऑप्टिक्स करके उसके क्वेश्चंस आए थे और रे ऑप्टिक्स भी मिक्स था उसमें. तो वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स का मैंने क्वेश्चन ऐसे ही अटैम्प्ट किया क्योंकि मुझे नेक्स्ट पढ़ना था. सो देखो इतने सारे गलत हो गए, मैं चाह रहा हूँ एक बार फिर से इसको
मुझे गर्म मिठाना गलती करी है और ताकि मैं उसको अच्छे से ठीक करूँ। पूरी तरह ठीक नहीं हुआ बट मैं दवाई ले रहा हूँ, सो धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूँ मैं और जब बहुत जल्दी ठीक भी हो जाऊँगा। सो देखते हैं अब अभी क्या कर सकते हैं, अभी तो बस पढ़ने का टाइम है तो अभी पढ़ सकते हैं। सो अभी यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और फिर ब्रेक लेने के बाद एक बार फिर से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सो पहले एक बार ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं, फिर से स्टार्ट करेंगे पढ़ाई। आफ्टर माई ब्रेक मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है कौन सा चैप्टर, रेडॉक्स रिएक्शन का। सो मैंने 25 क्वेश्चंस किए हैं और यहाँ पे टोटल मुझे 67 क्वेश्चंस करने हैं। सो इसको जल्दी जल्दी से कंप्लीट करते हैं और फिर क्या करेंगे, फिर कुछ करेंगे अभी तो पता नहीं है। पहले तो मैं इसको कर लूँ। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि पहले से ही टारगेट रख लेता हूँ अपना सबको, जब पढ़ने का मन न हो एक्चुअली फिर भी हमें ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं बनाना चाहिए। इससे क्या होता है ना, जो भी हम छोटा थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हैं उसमें भी हमें मुश्किल सा लगता है कि इतना सारा काम कैसे होगा। सो थोड़े थोड़े छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ और उसको अचीव करो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। और वो चीज़ें करो जो आपको करने में अच्छा लगे, जो आपको बहुत दिनों से मन था कि इसको करना चाहिए बट आप चाहते थे कि हमेशा टफ़ चीज़ें करो तो टफ ही कर रहे थे। कभी कभी ऐसा ईजी चीज़ें कर लेनी चाहिए, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन बहुत पहले पढ़ा था। सो एक बार क्वेश्चंस कर लूँगा तो टेस्ट में भी आएंगे अभी कुछ दिन बाद, सो उसका रिवीजन भी हो जाएगा। सो इस टाइप से जो आपको डबल बेनिफिट लगे विन विन सिचुएशन जहाँ हो ना ऐसा काम करना चाहिए। मेरी तबीयत तो वैसे ठीक नहीं है बट पढ़ाई अभी छोड़ नहीं सकते इसलिए पढ़ाई करते रहेंगे और इस चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट देखेंगे फिर नेक्स्ट में क्या करें। साइकिल एंड सेल डिवीजन करना, इसमें टोटल 97 क्वेश्चंस हैं, 92 क्वेश्चंस हैं और अभी बच रहे हैं रात के 8:30। सो आई थिंक ये 30 से 35 मिनट में चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और फिर मैं लूँगा खाने का एक ब्रेक, सो कि जो हमारा होगा डिनर वाला ब्रेक। सो इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। वो देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन है और टाइम भी दिखा देता हूँ मैं, देखो टाइम बज रहे रात के 8:30 और इसमें टोटल 92 क्वेश्चंस हैं, तो इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं।